रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। कर ली। सो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कोड हम थोड़ा बना के दिखाते हैं आपको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनेंगे देखिए, आपने कोई ट्री का यूज करना है, यूजर से रोज और कॉलम बताते हुए मैट्रिक्स ले लेंगे। रोज और कॉलम बनाते हुए जब मैट्रिक्स ले लेंगे तो वो मैट्रिक्स में डेटा स्टोर हो गया। अब आपने इसको प्रिंट करवाना है डेटा मैट्रिक्स एम वन। अब आप अगर उसके बाद इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो मैं यही कोड मैट्रिक्स प्रिंट करवाने के लिए इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट करवा डेटा फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स एम। अब हम क्या करते हैं, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने यहाँ पे जो प्रिंट करवाने में ठीक है लूप यूज किए ना, आई जे यूज किया, उसको कर देंगे जे आई, जे आई ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये ट्रांसपोज बन जाए। मैट्रिक्स बताएं खुद से एलिमेंट की वैल्यू क्या रखी, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ठीक है। तो पहले जो मैट्रिक्स बनी उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और दूसरी जो है वो है 1 4 7, लेकिन रोज है ना ये रो, ये रो ये का ये जो रो है 1 1 2 3 ये बन गई कॉलम 1 2 3 और जो ये कॉलम था 1 4 7 ये बन गया 1 4 7। क्लियर हो गया, समझ में आ गया मैट्रिक्स ट्रांसपोज सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, रो कॉलम बन जाए कॉलम रो, सिंपल सा चेंज है। और कुछ बोले एनीथिंग एल्स, नथिंग, कोई और प्रॉपर्टी चेक करनी हो आप? ठीक है चले ये स्टॉप करते हैं यहाँ पे। अब मैं और कोई टॉपिक आपने रिवाइज करना तो बता दें, मैं आपके लिए सेशन रख लूँगा, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन एग्जाम में मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, आपको टॉपिक आने चाहिए एग्जाम में, बजाय कि आप एक्सक्यूज करके सोचें कि पास फेल ग्रेड से पास हो जाएंगे। उसके पास होने के लिए इतनी आपको आनी चाहिए, पास फेल ग्रेड में भी आपको इतने मार्क्स लाने हैं ताकि पास हो सके। ठीक है जी सर, स्पेसशिप वाला प्रोग्राम और वो इनलाइन सैटरडे वाली क्लास में समझाएंगे, पॉइंटर जो हैं। हाँ लैब लैब वगैरह में ठीक है, लैब के पार्ट भी करवा लेंगे। मैं ये रिवीजन वाला कहें तो मैं करवा देता हूँ, अगर वो भी कहें तो करवा देता हूँ अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो लंबा प्रोग्राम है तो उसमें वहाँ बना लेंगे। अभी आपके पास 7 मिनट रहते हैं एक बजने में। और कोई क्वेश्चन हो क्यों टॉपिक्स में से कोई अगर पूछना हो आपको उस दिन भी आप पूछ सकते हैं वो प्रोग्राम की रिवीजन करने के बाद। ठीक है तो मैं भी रिवाइज करा दूंगा। एग्जाम आपका जो है मैंने क्लियर कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो आपको बता दें, प्रोग्राम बता दिए, बना के दिखा दिए, दोबारा से प्रैक्टिस करवा दिए।